वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं चलो और एक न्यू वीडियो के साथ, और कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था कि मेरा फास्ट पेमेंट चला है और उसमें से कुछ पैसा मैं मम्मी को दे दिया हूँ और कुछ पैसों से मैं यहाँ पर गेमिंग सेटअप को अपडेट करूंगा। तो आज भाई साहब फाइनली सब कुछ चला है। आप लोगों को बोला था कि मैं दिखाऊंगा, जब सब कुछ चला आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ चला है, मतलब कि मैं सब कुछ खरीद लिया हूँ। और कितने का सेटअप हुआ ये भी आप लोगों को लास्ट में बोलूंगा भाई साहब, क्या क्या खरीदा हूँ और भाई साहब क्या क्या लिया हूँ सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना यार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लो कि मैं यहाँ पर एक टेबल ले लिया हूँ। ये जो टेबल है ये मैं ले लिया हूँ और ये टेबल कुछ ऐसा दिखते हैं। और ये टेबल लगभग मेरे को मिल गया भाई साहब 1000, मतलब कि 1000 के अंदर। तो आप भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा एक टेबल, मतलब कि काम चलाने के लिए अच्छा है भाई साहब। तो यहाँ पर और भी जो चीज़ें सारे, मतलब कि धीरे धीरे एक एक करके आप लोग को दिखा दूंगा यार, वीडियो को पूरा देखने यार। तो यहाँ पर आप लोग जो सारे कुछ देख रहे हो ये मैं ले लिया हूँ और भाई साहब एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं लिया हूँ और भाई साहब क्या सा चीज़ है और कितने का ये सारे जो बजट, मतलब कितने का बजट पड़ा मेरे को, तो ये आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो ये एक बल्ब का पैकेट है, मतलब कि बल्ब नॉट का बल्ब का पैकेट है। तो यहाँ पर ये मैं दो ले लिया हूँ क्योंकि लाइट होना ज़रूरी है भाई साहब सेटअप में। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है मैं यहाँ पर लगा लिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोशनी, यहाँ पर इसको एक बार ऑफ करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मैं बल्ब लगा लिया हूँ, एक 9 करके 18 का है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब ये जो मतलब कि है ये मैं मतलब खुद ही बनाया था, मतलब कि कुछ दिन पहले बनाया था और अब ये दो बल्ब ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे करके मेरा लाइट का सेटिंग्स आता है, मतलब कि लाइटिंग का सेटिंग आता है। और यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो ये जो स्टैंड है ये मैं बहुत दिन पहले लिया था वीडियो करने के लिए, तो इसको मैं मतलब कि तोड़ दिया हूँ और यहाँ पर लाइट स्टैंड बना लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको मैं तोड़ दिया हूँ, यहाँ पर लाइट स्टैंड बना लिया हूँ। मतलब कि ये स्टैंड मतलब उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, टूट गया था, यहाँ से टूट गया था। शायद आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से टूट गया था, तो इसको मैं मतलब कि यहाँ पर ग्लू दे के भाई साहब जोड़ दिया हूँ और यहाँ पर लाइट स्टैंड मतलब कि बना लिया हूँ। तो यहाँ पर ए हो गया दो बल्ब। उसके बाद आता है भाई साहब ये एक चीज, ये क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये एक चीज है जो कि है भाई साहब ट्राइपॉड, मतलब कि मोबाइल रखने के लिए ट्राइपॉड, जो आप लोगों को मैं ये दिखाया था कि मैं कुछ दिन पहले लिया था, ये टूट गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, तो इसको अनबॉक्सिंग कर लिया और यहाँ से ही मतलब कि वीडियो हो रहा था। तो इसको देखो भाई साहब ये है ए ट्राइपॉड, ये इस लाइट को जला देता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है ए ट्राइपॉड, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक ट्राइपॉड है, पूरा एल्युमिनियम का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है ए ट्राइपॉड, तो बहुत मतलब कि अच्छा है, बहुत ही बड़ा हो जाता है ये जो ट्राइपॉड है, इससे बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये एक ट्राइपॉड है जो कि बहुत ही बड़ा हो जाता है और अच्छा खासा, मतलब कि यहाँ पर इसका जो बिल्ड क्वालिटी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर पता नहीं कितना दिन चलेगा, पर मुझे तो लगता है बहुत दिन चलेगा। तो यहाँ पर एक ले लिया हूँ और भाई साहब और भी बहुत कुछ लिया हो। तो उसके पहले बोलता हूँ आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके पास में लगे उनका प्रेस कर देना यार। तो चलो ये धीरे धीरे इसको साइड कर देता हूँ क्योंकि ए दिखाना हो गया। तो यहाँ पर ए दिखा दिया, ए दिखा दिया, आप आते हैं भाई साहब ए नहीं, ए लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पर एक खास चीज़ है, तो ए दो लाइट आप दिखाता हूँ। देखो ए एक लाइट है और ए में दो ले लिया हूँ, ए RGB लाइट है और ए एक 50 वॉट का लाइट है। तो ये कहाँ पर लगाऊंगा, ए लगाऊंगा भाई साहब इस पर्दे के नीचे, जो कि इस पूरा पर्दे को यहाँ पर RGB में भर देगा। फाइनल जब आप लुक देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भाई साहब इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई साहब मैं एक को मतलब कि यहाँ पास से ओपन करता हूँ तो हो गया भाई, ये RGB लाइट निकल रहा है और भाई साहब ये बहुत ही अच्छा RGB लाइट है। हाँ भाई भाई इसका रिमोट गिर गया था, चलो नीचे से उठा लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये रिमोट कंट्रोल RGB लाइट है और इसका जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पता नहीं कितना दिन चलेगा पर अभी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और मैं उस पर्दे के नीचे ऐसे करके इसको लगा दूंगा, यहाँ पर ऐसे करके, हाँ टेबल है इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसे करके लगा दूंगा और लाइटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको जला के एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई इसको जला दिया और यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब ऐसा रोशनी आ रहा है, मतलब कि RGB लाइट है। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है, इसको मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। देखो कैसे चमक रहा है, मतलब कि RGB एकदम जल रहा है। उसके साथ साथ में इसका जो ब्राइटनेस हूँ कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे मतलब कि कम कर सकते हो ऐसे करके, और इससे मतलब कि बढ़ा सकते हो। आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बार रेड प्रेस करता हूँ तो रेड हो गया और देखो कम करता हूँ, देखो देखो कितना ज़्यादा कम हो गया। हाँ अब मैं इसको एकदम हाई मतलब कि कर देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पर बढ़ गया, फुल बढ़ गया। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया भाई साहब, मतलब कि एकदम बहुत ही अच्छा एक RGB लाइट है। यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ तो ऐसे करके जलेगा, इसको प्रेस कर देता हूँ तो ऐसे करके जलेगा, और अगर इसको प्रेस कर देता हूँ तो ऐसे DJ लाइट हो जाएगा। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्मूथ लाइट चाहिए। तो ये अगर प्रेस करूँगा तो एकदम ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, और अगर मैं इसको प्रेस कर दिया तो भाई साहब यहाँ पर एक ही लाइट जला रहेगा। तो ये लाइट भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड पे जो एक बड़ा सा पर्दा
आप दिख रहा है ये मैं खरीद लिया हूँ। देखो यहाँ पर एक ग्रे पर्दा है, मतलब ग्रे स्क्रीन है, ये मैं खरीद लिया हूँ क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए भाई। तो भाई साहब यहाँ पर मैं जब गेम खेलूंगा तो भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं एक खरीद लिया हूँ। और ये भाई साहब मेरे को पड़ा लगभग 300 रुपया। हाँ, ये जो पर्दा है लगभग पड़ा 300 रुपया। तो यहाँ पर ये मैं खरीद लिया हूँ। आप जो आता है भाई साहब फाइनल वाली, यहाँ पर क्या चीज है तो इसको ही दिखाऊंगा। उसके पहले प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे, क्या कर रहे हो भाई, इतना ज्यादा प्यार दिखा तो ये भी प्यार दिखा दो। जो जो नए बंदे प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। चलो ये मैं अमेजोन से ऑर्डर किया था और भाई साहब यहाँ पर आते हैं भाई साहब, फाइनल लुक क्या निकलता है देखते हैं भाई। ओ भाई भाई भाई, भाई साहब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर से निकलता है एक गेमिंग हेडफोन की, जो कि मतलब कि एकदम बहुत ही बड़ा एक गेमिंग हेडफोन है। और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं एक खरीद पाया हूँ। और ये आता है रेड गियर की तरफ से कॉस्मो 7.1, बहुत ही अच्छा एक गेमिंग हेडफोन है। मैं भाई साहब यहाँ पर मतलब कि इसको रेटिंग देख के ही खरीदा हूँ। और भाई साहब इसका प्राइस मेरे को पड़ा लगभग 1200। तो यहाँ पर भाई साहब इसको ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए इसको भाई साहब अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, मतलब कि मैं पहले एक बार किया था क्योंकि यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है, इसलिए तो मैं इस बॉक्स को साइड में हटा देता हूँ और भाई साहब इस बॉक्स पे फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पर उतना अच्छे से मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ पर मतलब कि अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, इसलिए तो जो होता है भाई साहब यहाँ पर देखो टनटनान निकलता है ये हेडफोन, गेमिंग हेडफोन है। और भाई साहब फाइनल निकल गया, पर यहाँ पर इसका लुक अभी तक छुपा हुआ है। तो इस पैकेट को मैं कर देता हूँ साइड में, पैकेट में और ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों के बाद दिखा देता हूँ। पैकेट में और ज़्यादा कुछ नहीं, एक अमेजन का बिल है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो एक अमेजन का बिल है। और भाई साहब यहाँ पर कुछ कार्ड है, देख सकते हो, देखा देखा होगा यहाँ पर कार्ड है, मतलब कि इस हेडफोन का ही कार्ड है, कॉस्मो 7.1 इसका कार्ड है। और यहाँ पर एक स्टिकर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक स्टिकर है रेड गियर की तरफ से एक स्टिकर। तो यहाँ पर इसको मैं साइड में कर देता हूँ। उसके बाद आता है भाई साहब फाइनल जो चीज़ है, मतलब कि हेडफोन यहाँ पर आता है। तो चलो मैं पहले इसको हटा देता हूँ भाई साहब, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, इसको साइड में कर लेता हूँ। चलो इसको साइड में कर लेने के बाद इसको हटा देता हूँ भाई साहब। ओ भाई भाई भाई, फाइनल लुक देखो इसका भाई, फाइनल लुक देखो, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप लोग क्या बोलो, इतना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है RGB लाइट है, आप लोगों को जला कर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक माइक्रोफोन है और इसका जो केबिल है सर ब्रेडेड केबिल तो नहीं, पर प्लास्टिक का ही है, पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक केबिल है, यहाँ पर केबिल दे दिया। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, ये जो है ये मेटल का है, पर ये जो सारे ये प्लास्टिक का है, आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक का है। ये हेडसेट करने के लिए यहाँ पर एक ये दे दिया, और भाई साहब अच्छा खासा बोल सकते हैं, अच्छा खासा बोल सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर 50mm का ड्राइवर लगा हुआ है अंदर। तो और एक बात है, एक क्या है कि ये जो गेमिंग हेडफोन है यहाँ पर भाई साहब, ये भाई साहब ऐसे करके मतलब कि ऐसा USB टाइप ए का पिन आता है, तो यहाँ पर आप PC में चला सकते हैं। और अगर आप मोबाइल में चलाना चाहते हो तो यहाँ पर एक मतलब कि OTG केबिल लगा, जैसे मैं खरीद लिया हूँ ऐसे, पर सारे मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करते, मेरा मोबाइल में कर जाता है, पर मतलब कि और जो मोबाइल है उसमें कुछ कुछ मोबाइल में करते हैं, कुछ कुछ मोबाइल में नहीं करते, मतलब कि जिसमें 3.5mm जैक है मेरा भी है, पर मेरा कर जाता है सपोर्ट, फिर भी कर जाता है, पर आपका सपोर्ट करेगा नहीं मेरे को पता नहीं। पर मैं ले लिया हूँ एक OTG केबिल मोबाइल, मतलब मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भाई साहब ये एक गेमिंग हेडफोन है, आप मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो पिन है मैं मतलब कि मेरा मोबाइल में अब घुसाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका जो मतलब माइक का क्वालिटी है यहाँ पर चला जाएगा, मतलब कि इस पे रिकॉर्डिंग होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं घुसा देता हूँ इसको, यहाँ पर थोड़ा रुक जाओ, चलो घुसा दिया हो, और माइक और यहाँ पर माइक्रोफोन पे एक यहाँ पर लाइट दे दिया है, पता नहीं आप मेरा आवाज कैसा आ रहा है, मतलब कि ये एक ऐसा माइक्रोफोन है कि सामने से ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं पीछे से नहीं, तो लगभग मेरा आवाज बहुत ज्यादा कम आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आप में माइक की क्वालिटी आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनल जो लुक है मेरा ऐसा आ रहा है, और इसका माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है पता नहीं। यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर इसका माइक में अगर एक फॉर्म होता तो बहुत ही अच्छा होता, मतलब कि मेरा मुँह का जो हवा का आवाज़ है मतलब कि वो पकड़ रहा है अब, और इसका ऊपर एक फॉर्म होता तो नहीं पकड़ पाता। तो यहाँ पर भाई साहब फाइनल लुक ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर देखो RGB 4G सब कुछ जल रहा है भाई, और इसका माइक का क्वालिटी कैसा है आप लोग बता दो यार। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, आप लोगों को पहले बोला था कि मैं लास्ट में बजट कितना पड़ा है ये बोल दूंगा, तो देखो यहाँ पर जो सारे खर्चा आए भाई साहब लगभग 4000 के आसपास, मतलब कि आप मान लो 4000 का खर्चा चला है, ये जो टेबल, ये जो हेडफोन, ये जो लाइटिंग सेटअप, ये जो RGB लाइट भाई साहब, ये सब कुछ लगा के मतलब कि लेके यहाँ पर 4000 का लगभग
लगभग खर्चा चला आया है। तो बहुत ही खुश हुई यार, सपोर्ट दिखाओ यार, जो जो नया बंदा प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, आप आएगा भाई सब तड़कता भड़कता गेम प्ले। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ और अगले वीडियो में, तो बाय बाय फ्रेंड्स।